हेलो कैसे हैं आज। डिफरेंशियल इक्वेशन में ही है। सीएफ और पीआई का अगला लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सभी स्टेट में पूछे गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आज इनका सॉल्यूशन कराते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख दिया है मैंने इस पर, राजस्थान टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx² + d1y/dx - 2y = e^x इज, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो एक एक करके बताते जाते हैं इनका आंसर। तो देखो अब एग्जाम में समय कम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम। सेकंड डेरिवेटिव है d²+d - 2y = 0। तो इसकी एंजिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एंजिलरी इक्वेशन इज m² + m - 2 = 0। इसके फैक्टर कर लो आप, m के दो वैल्यू मिलेगी, 2 बन जा 2, तो m² + 2m - m - 2 = 2। ये देखो पिछले लेक्चर में हमने सब बता दिया है, कैन बी रिटन एज, और ये यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो m + 2, ये फैक्टर भी तुम्हें डायरेक्ट आने चाहिए, m + 2 = 0। एक m - 1 और एक m + 2 = 0। तो m = 1 मिला और एक -2 मिला, तो यहाँ से CF क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये रियल और डिस्टिंक्ट है, तो CF हो जाएगा c1e^(m1)x, इसको m1 किसी को मान लेते हैं, प्लस c2e^(-2x), ठीक है। नाउ अब पीआई की बात कर लेते हैं, पीआई आर कैसे मिलता है तुम्हारा, वन अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या है d²+d - 2 और आर एच है c^x, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो d की जगह इसका कोफिशिएंट हम भर देते हैं, तो d की जगह 1 भरोगे, जैसे ही भरोगे तो ये 0 हो रहा है, 1 भरा तो 1 / 2 = 2 - 2 = 0, और 0 वाली कंडीशन में क्या बताया था, ऊपर x का मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएट, x/2d + 1 हो जाएगा, डी की जगह मैं बढ़ दूंगा फिर, तो x/2e^(x), दोनों को ऐड करके लिख दो, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो y = cf + pi, ये दोनों बता दिए हमने, c1e^(x) + c2e^(-2x) + xy2e^(x) है तुम्हारा, e^(x) है तुम्हारा, ठीक है। हाँ 3 हो जाएगा, ये 3, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। बोलो ये राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन था 2011 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ देखें सेकंड क्वेश्चन, एक्सिलरी इक्वेशन, देखो एक्सिलरी इक्वेशन इज m + 3 m - 1 / 3 m - 1 / 3 = 0, तो m की वैल्यू यहां मिलेगी 1 - 3 मिलेगा तुम्हारा, ठीक है, 3 मिलेगा। cf बराबर, ये 3 वैल्यू सेम है, सेम के लिए सेम वाला लगा दो, c1 + c2x + c3x² (e^(1x). नाउ हाँ पी आई
वन अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या है डी प्लस थ्री और डी माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है, और ई टू दी पावर एक्स। आरएचएस आ गई तुम्हारी, इसमें भरो देखो डी की जगह वन, तो ये जीरो हो रहा है तुम्हारा, ये जीरो हो रहा है, तो क्या करें जिसको जो जीरो हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी में बढ़ दो। डी की जगह वन भरा हमने, वन प्लस थ्री और वन अपॉन डी माइनस वन का होल क्यूब और ई टू दी पावर एक्स, इसको अलग रहने दो, तो ये हो गया वन बाई फोर। इसमें बनना जीरो हो रहा है, ऊपर एक्स का गुणा नीचे डिफरेंशिएट, डी माइनस वन का होल स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स, फिर जीरो हो रहा है ये, फिर ऊपर एक्स का गुणा नीचे फिर डिफरेंशिएट, तो सिक्स डी माइनस वन और ई टू दी पावर एक्स, फिर जीरो हो रहा है तो फिर डिफरेंशिएट और एक्स का गुणा एक्स क्यू अपॉन 24 e to the power x, दोनों को जोड़ के लिखते हैं c1 plus cf plus pi, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन y बराबर cf plus pi, दोनों को ऐड करके लिख दो, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, स्पीड से करिए आप क्योंकि उसमें समय कम होता है एग्जाम में, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 2000 पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिख रहा है, एक्सिलरी इक्वेशन लिख दो एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस 6 = 0 है तुम्हारा, तो इसके फैक्टर 3 × 6, तो लिखते डायरेक्ट m माइनस टू और m माइनस थ्री हो जाए, कर लेना आराम से, तो m इक्वल्स टू 2 और 3 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सी एफ हो गया तुम्हारा c1 e to the power m1x और c2 e to the power 3x, एम वन एम टू किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। नाउ पी आई वन अपॉन फंक्शन, फंक्शन है तुम्हारा डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस 6 और आर एच एस 4 e to the power x प्लस 5 इस टाइप का है, तो ये पहले स्टेप को अलग लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस 6 e to the power x plus 5 1 upon d square minus 5d plus 6 और यहां बचा 1, 1 को लिखते हैं e to the power 0 x, ठीक, इस पे यहां कोफिशिएंट रखो x का, 1 है कोफिशिएंट तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 upon 1 minus 5 plus 6, 0 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहां पर रखेंगे 0 तो ये जीरो प्लस 6 और ए टू दी पावर 0 1, तो ये कितना होता है 2 बचा, 2 × 7 2 × 4 = 2 ए टू दी पावर एक्स प्लस ये 5/6 रहेगा, 5/6 तो ये हो गया 2 e to the power x प्लस 5/6, 5/6 सॉल्यूशन इसका क्या हो गया 5/6, तो हेंस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर y बराबर cf + pi c1 * e to the power 2x + c2 * e to the power 3x + 2 * e to the power x + 5/6 ये आंसर हो गया। देखो एग्जाम में 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज कर दें, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं भाई उसमें स्टेट के एग्जाम में, तो इसको लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीआई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ओनली पीआई पूछा है,
फोर का आंसर आई है पी आई वन अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या दिया है डी स्क्वायर प्लस वन और साइन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो स्क्वायर में कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा वन प्लस कॉस टू एक्स बटे दो टू अपॉन में आ जाएगा। तो यहां वही लिख दो वन बाई टू आउट कर दिया हमने डी स्क्वायर प्लस वन वन प्लस कॉस टू एक्स वन बाई टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ई टू दी पावर जीरो एक्स कहते हैं वन को डी स्क्वायर प्लस वन कॉस टू एक्स इसकी जगह जीरो रखते हैं आई की वाली प्रॉपर्टी वही कह दिया तो ये तो वन ही बचा। अरे लिख दो चलो जीरो प्लस वन ई टू दी पावर जीरो वन और डी स्क्वायर की जगह माइनस वन बढ़ते हैं तो दो का स्क्वायर माइनस फोर फोर का नेगेटिव माइनस फोर प्लस वन कॉस टू एक्स वन बाई टू वन प्लस वन माइनस वन बाई थ्री बचा गया ये और कॉस टू एक्स ये हो गया इसका वन बाई टू क्या हो गया वन बाई टू वन माइनस कॉस वन बाई थ्री कॉस टू एक्स ये बना तुम्हारा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको रेस कर लेते हैं ठीक है। हाँ देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बीएससी पार्ट वन में भी चल रहा है सभी यूनिवर्सिटियों में ठीक है। देखो क्वेश्चन फाइव का आंसर लिखते हैं फाइव का आंसर ये क्या है पीआई पूछा है इसमें भी तो पीआई इक्वल्स टू वन अपॉन फंक्शन डी माइनस ए का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर ए एक्स और एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश का मतलब दो बार डेरिवेटिव ठीक है। इसमें वैल्यू करके देखें आप डी की जगह ए तो ये जीरो हो रहा है नहीं ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो इसको आगे ले जाएंगे और आगे ले जाते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है डी ए एक्स एफ एक्स दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो ई टू की पावर ए एक्स आगे और डी की जगह डी प्लस इसका कोफिशियंट ऐड होता है तुम्हारा ये प्रॉपर्टी लगेगी ठीक है। तो डी की जगह डी प्लस ए माइनस ए का स्क्वायर और ई टू की पावर ए एक्स और एफ डबल डैश एक्स ए से ए ये आगे आ जाए ना ये क्या आ जाए ना आगे तो ई टू की पावर ए एक्स डी स्क्वायर और एफ डबल डैश वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेट तो ये दो बार इंटीग्रेट होगा तुम्हारा हमने कल पिछले लेक्चर में लिखवा दिया है तो एक डी एक बार इंटीग्रेट करा तो एक डिफरेंशियल इसका हट जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स एक बार और इंटीग्रेट करें तो ई टू डी पावर ए एक्स तो एक डेरिवेटिव और हट जाएगा एफ एक्स यही तुम्हारा पी आई होगा ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और बचते हैं तो इनको सीरीज में करा देंगे ठीक है। और कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ ठीक है ओके बाय।